हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम तंदूरी चिकन बॉडी रोल बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया है क्यूस में, और इसमें अब हम एक खाने का चम्मच चिली पाउडर, एक खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, एक चाय का चम्मच नमक और एक चाय का चम्मच काली मिर्च, ये चीज़ें डालनी है। साथ में एक एक चाय का चम्मच हमारे पास रोस्टेड ज़ीरा है, चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये शामिल कर देना है। और साथ में अब इसमें एक एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, दो खाने के चम्मच दही शामिल करना है और दो टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल ज़रूर लाजमी डालें, इससे आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी और चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लास्ट में हमने एक आधा नींबू लेकर वो भी इसमें शामिल करना है। और ये एक चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया था जो कि छोटी-छोटी बोटियों में काट लिया है, और इस लास्ट में मैंने लेमन जूस डाल के इसको मैरिनेशन के लिए कवर करके आधा पौना घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, एक से दो टेबलस्पून पैन में, और ये चिकन जो हमने मैरिनेशन के लिए रखी थी अब इसको निकाल के मैं इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये अपने पानी में अच्छे तरीके से गल जाए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट चिकन है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट रही है। और साथ में मैंने कोयला रख दिया था, और अब हम कोयले का धुआं दे देंगे ताकि आपको एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए इसका। अब हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने इसके लिए ये पराठे ले लिए हैं पतले, इसमें क्रीम चीज़ स्प्रेड अच्छी तरीके से मैं कर रही हूँ। और चिकन बोटी हमारी बहुत सॉफ्ट तैयार हुई है, बहुत ही मज़े के रोल बनेंगे ये। आप ज़रूर बनाइएगा तंदूरी चिकन बोटी रोल, बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं आप बना के, साथ में जब भी आपका दिल चाह रहा हो एक डिफरेंट चीज़ खाने का तो ये रोल आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तमाम इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से क्रीम चीज़ स्प्रेड ही लगा दिया है, और अब हमने तंदूरी चिकन बोटी जो बनाए थे वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही मसालेदार, ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, जूसी बने हैं। आप देख सकते हैं, आपको देखने से नज़र आ रहे होंगे, बहुत जूसी बनेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इजीली आप इसको खा सकते हैं। और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे ये रोल, ज़रूर बनाइएगा। साथ में मैंने कुछ प्याज लिए थे और रिंग्स में काट लिए थे, और साथ में हमारे पास ग्रीन सैलेड लीफ है वो उसमें डालेंगे हम, और थोड़ा सा केचप भी जाएगा। और इस तरीके से हमारे ये तंदूरी चिकन बोटी रोल तैयार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, यकीनन पसंद आ रही होंगी और आप ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछिएगा, मोस्ट वेलकम। और ये मैंने इसके ऊपर सैलेड लीव रख दिए हैं, और ये ज़रूर रखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और एक ग्रीन देखें कितना कलरफुल सा रोल आपका तैयार है। अब इसको रोल कीजिए, रैप कीजिए, और आपका ये तंदूरी चिकन बोटी रोल तैयार है।